मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका की मौत की गुत्थी 10 दिन बीतने पर भी नहीं सुलझ पाई है। मेडिकल कॉलेज में बार सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई मोनिका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मृत मोनिका के परिजनों ने इससे पहले भी बार सिस्टर के द्वारा तंग करने की बात को बताया है। वही परिजनों ने पुलिस पर भी दबाव में आकर जाँच करने और बार सिस्टर को बचाने का आरोप लगाया है। मृतका का मोबाइल लॉक 10 दिन बीतने पर भी नहीं खुलने पर परिजनों ने पुलिस जाँच पर सवाल उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका की मौत की गुत्थी से 10 दिन बीतने पर भी नहीं सूझ पाई है। मेडिकल कॉलेज में बार सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई मोनिका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मृतक मोनिका के परिजनों ने इससे पहले भी बार सिस्टर के द्वारा तंग करने की बात को बताया है। वही परिजनों ने पुलिस पर भी दबाव में आकर जाँच करने और बार सिस्टर को बचाने का आरोप लगाया है। मृतका का मोबाइल लॉक 10 दिन बीतने पर भी नहीं खुलने पर भी परिजनों ने पुलिस जाँच पर सवाल उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका की आत्महत्या मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाने पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। मृतका मोनिका के परिजनों ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बार सिस्टर को बचाने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोपी बार सिस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ गिरफ्तार करने की भी मांग की है और इसी के चलते परिजन एएसपी विजय सकलानी से भी मुलाकात की है। मृतका मोनिका की माता गुरु प्यारी देवी ने बताया कि करीब 2-2.5 महीने पहले मोनिका ने स्टाफ के द्वारा जाति सूचक शब्दों से बुलाने के साथ प्रताड़ना करने की बात कही थी, लेकिन उसमें लगा कि वह कभी कभार ऐसा होता होगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मोनिका का परेशान होकर आत्महत्या करने से सभी सन हो गए। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ऐसा पता लगने पर सोचा था कि अगर दोबारा ऐसा बार सिस्टर करेगी तो शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत करने से पहले ही मोनिका ने आत्महत्या कर ली। ये मांग की है कि जो हमारे से जो सामान या मोबाइल वगैरह वो थे, हमें तो कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, तो हमें उसका पता होना चाहिए। कल को यही गुम कर, जैसे बच्ची हमारी का सब कुछ वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे हमारे वो भी गुम हो जाएंगे। कल को आज हमारी बच्ची के साथ और कल दूसरी बच्ची के साथ भी ऐसे ही होगा, तो ऐसे नहीं कि हमें उसका भी कुछ प्रूफ दिया जाए। और जैसे मेरी बच्ची को मारा है उन्हें, उसी तरह दूसरी को भी करेंगे, तो हमें इसके बारे में न्याय चाहिए। बच्ची तो हमें नहीं मिलेगी, तो हमें इसके बारे में न्याय चाहिए। बाकी ये जो 7 दिन होने वाले हैं, तो पुलिस जो कर रही है कार्रवाई अपनी, पुलिस क्या लग रहा है आपको, ठीक कर रही है जांच पड़ताल, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ऐसे ना देखो, एक जब किसी लड़की को ससुराल में उसकी डेड बॉडी मिलती है तो एकदम ससुराल वालों को उठा कर ले जाती है, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं समझती है, उठा कर ले जाती है। लेकिन मेरी बेटी को आज 8 दिन हो गए हैं, तो एविडेंस की जरूरत पड़ रही है। गेस को हमें ये पता नहीं लग रहा कि जैसे लग रहा कि इनको जैसे किसी को थोड़ा बहुत कुछ, यानी कि मर्डर समझ के नहीं कर रही उसकी इंक्वायरी, उसको ये समझ रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, जितनी बात दब जाए उतनी अच्छी है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है, किसी के दबाव में आकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं बताया, चल रही है बस यही बताया। जबकि उसको आज तक अरेस्ट होकर उसको डांट मार के पूछा जाता तो उसने सब कुछ बोल देना था, सब कुछ बोलना था, अपने आप बोलना था। अगर उसको थोड़ा डरा धमका कर अगर 2 थप्पड़ मार के, अगर कोई पुलिस वाली लेडी मारते 2 थप्पड़ अपने आप गूगल देना था उसने, ऐसी बात है। लेकिन उसको जैसे रिश्तेदारों से आकर उसका पूछते हैं ना हाल चाल, उसी तरह पूछ कर उसको भेज रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा। थोड़ा बहुत समय पहले मेरे पापा से एक बार बैठी थी और बोलती थी मैंने इधर नौकरी नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ मतलब जातिवाद की भावना रखते हैं लोग। क्योंकि एक बार वो जब अपने वार्ड में थी तो एक कोई लेडी थी, उसके सामने बैठ कर वो लड़कियां खाना खाने लगी, तो वो कहने लगी अरे इसके साथ मत बैठा कर, ये नीच जाति की है, इसके साथ खाना नहीं खाना। तो मैंने सोचा देखो पढ़े लिखे लोग और ऐसी भावना इनकी है, तो यहाँ पर ये बात होती थी, हो सकता है उसी के बाद उसको तौर किया जाता कि ये इसको यहाँ से हम कहीं दूर भगा लें, दम तंग होकर निकल जाए या कुछ कर ले, या हो सकता मुझे विश्वास है कि वो ऐसे करते। उन्होंने उस दिन भी ऐसी बात तय की होगी, वो मेरी बच्ची इतनी नालायक नहीं थी और ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। क्या मांग कर रहे हैं अब आप, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको अरेस्ट किया जाए और उससे पूछताछ की जाए, बस बाकी तो बच्चे तो मेरी मुड़ कर आएगी नहीं, बात ना हो ये है। बाकी तो हमारी बच्चियां हैं, कितनी पतनी डिग्रियां लेकर बच्चियां आई हैं, उनको इस तरह की क्या ये अपने आप को समझ करो टॉर्चर कर रही हैं। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो डिग्रियां करके आए हैं, कमीशन क्वालिफर करके आए हैं, और मेरी बच्ची कॉलेज में टॉप करके आई थी और हर टेस्ट में कमीशन में सबसे आगे निकलती, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में, फ्री यूनिवर्सिटी में
टॉप किया था, हमें उधर बुलाया था। तो मेरे बच्चे ये इस तरह की बातें, ये नालायक है, ये घटिया काम करती है, वो करती है, जबकि किसी कॉलेज से मेरे को शिकायत नहीं आई। और यहाँ मेरी बेटी हॉस्पिटल से ये शिकायतें मेरे साथ करती थी, इतना घटिया हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा मन नहीं करता जॉब करने के लिए। तो मैंने बोला देखो जॉब की बात है, कहा कि हम आपके हम ट्रांसफ़र करवा देंगे, कहीं दूसरी जगह करवा देंगे, लेकिन एक बार तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरी बार अगर इस तरह आपके साथ हुआ तो हम शिकायत हम CMO को करेंगे, लेकिन दूसरी बार ऐसा मौका नहीं मिला। भीम मृतका के पति ने कहा कि 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पड़ताल पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक मृतक मोनिका का मोबाइल लॉक भी नहीं खुल पाया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द मामले में शामिल बार सिस्टर को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि हर वक्त काम के लिए गलती निकालते रहते हैं, जिस पर मोनिका परेशान रहती थी। 2-2.5 महीने पहले जायदाद पड़ताल न होने पर घर में बात हुई थी, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले में पुलिस जांच पड़ताल जल्द करे ताकि इंसाफ मिल सके। सर हम ASP से इसलिए मिले क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें काम जो है वो रोज लेट किया जा रहा है। अभी सर 7 से 9 दिन होने वाले हैं सर, कल 10 दिन हो जाएंगे सर इंसिडेंट हुए सर, लेकिन अभी तक जो इन्होंने एविडेंस लिए, जैसे मोबाइल लिया हमारे से घर से बरामद किया, उसका लॉक ही नहीं खुला सर, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है सर अभी तक, और हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जो कहीं हम जा रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है हमें कहीं से भी। तो हम तो इसलिए गए थे कि ताकि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष और थोड़ी सी तेज हो, और जो कल्प्रिट है उसमें वो जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो, हम इसलिए गए थे सर। आपकी पत्नी थे, कभी आपसे ऐसे जिक्र हुआ हॉस्टल में वैसी थे बार जाता तिरती थी, ऐसे कोई टॉर्चर किया जाता था कभी इससे पहले भी बात डिस्कस हुई आपकी? सर तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हमारी बात हुई थी आपस में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे मतलब तंग करते हैं बीच बीच में, मतलब वो जो बोलते हैं वो अनप्रोफेशनली डांटेंगे, जैसे किसी डफर बोल दिया या कहाँ से ट्रेनिंग करके आ गए हैं, कहीं कुछ और पता नहीं क्या क्या वर्ड वो यूज़ करते थे, मतलब अनप्रोफेशनली वे में टॉक करते थे वो। और वो जब भी वो काम करते थे और वो बोलते थे कि उन्होंने आना वार्ड सिस्टर के पास इतना काम होता कि आके सिर्फ उन्होंने गलती निकालनी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि उनके ऊपर कितना वर्क लोड है क्या है, बस उन्होंने ये देखना कि वो जो है क्या नाम आपका कैसे गलती हम ढूंढें और उसको डांटें, तो बस उनका बस यही रह गया था। मैं तो समझता नहीं कि एज अ सीनियर हम भी काम करते हैं फील्ड में, एज अ सीनियर ऐसे काम नहीं किया जाता है, तो मुझे तो लगता है कि वो जो है वो मतलब अपनी पर्सनल रंजिश रखती होगी उससे, मुझे तो ऐसा लगता है। ये क्या कभी मेडिकल कॉलेज प्रशासन से इसकी बारे में कभी डिस्कस हुई उनकी या कुछ कंप्लेंट वगैरह कभी नहीं की बात? नहीं सर, ऐसा हुआ था कि जब ये 2-2.5 महीने पहले बात हुई थी तो उसके बाद हम ससुराल गए थे अपने, उसका मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की थी, वो भी सामने थे, भाभी थी उसके साथ में बैठी हुई, तो हमने चर्चा की इसके बारे में। तो खैर हम भी समझते हैं कि फील्ड में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा चला रहता है, लेकिन हमने उसको बोला कि अगर ज़्यादा होगा, अगर कभी दोबारा ज़्यादा होगा, उसकी मदर ने भी यही बात बोली क्योंकि मेरी सास ने, कि अगर ज़्यादा होगा तो हमें दोबारा बताना, हम फिर उसको दूसरे तरीके से लेंगे, हम इसकी कंप्लेंट करेंगे CMO को करेंगे, चाहे हम FIR लॉन्च कराएंगे, जो भी आपको मतलब नजायज तंग करता है। तो फाइनली क्या डिमांड क्या चाहते हैं आप? सर डिमांड मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए सर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर, जैसे कल तो 10 दिन हो जाएंगे सर, और मैं ये इंसाफ की मांग अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ सर।